साथ राम नाम। अर्जुन सोच रहा ले भाई तू कौन है खाम खा बिना ही पूर्णमासी। अर्जुन ने इधर उधर देखा कहीं मुरली बजाता हुआ नजर आ जाए। अर्जुन बोलो भाई मैं राजा नहीं बनूंगा। बोले हमारी नगरी का नियम ये है। अर्जुन बोले पहले ये बताओ कितने राजा मरे हैं। बोले सात। अर्जुन बोले आप मुझे मारने आए हो मैं राजा नहीं बनूंगा। मंत्री बोला सेनापति सरकार सलाखे गर्म करो। वो सलाखे गर्म करने के लिए गया। अर्जुन इधर उधर देख रहा है और मरता क्या ना करता। ठहरे ठहरे भैया राजा बनता हूं। मंत्री बोला सेनापति वापिस आ जाओ। अस्तु ले गए स्नान इत्यादि कराया प्रसंग की वापसी। राजसी वस्त्र भी पहना दिए मुकुट भी पहना दिए। अभी मुकुट नहीं पहनाया राजसी वस्त्र पहना दिए। मंत्री बोला महाराज एक प्रार्थना और है हम कंवारे को राजा नहीं बनाते। क्या मतलब आपको विवाह कराना पड़ेगा। अर्जुन बोले हमारे विवाह हो चुके हैं। मंत्री बोला सेनापति विवाह भी हो गया तो बच्चे भी कुछ होते हैं और वक्त खुशी से कटता है। बच्चे भी कुछ होते हैं और वक्त खुशी से कटता है। साल 31 का अरसा यूं पल पल करके कटता है। साल 31 का अरसा यूं पल पल करके कटता है। आज अर्जुन को राज्य करते करते 31 वर्ष 40 दिन बीत गए। सज्जनों अनहोनी कभी होती नहीं और होनी कभी टलती नहीं। आज अर्जुन की रानी का देहावसान हो गया। अर्जुन की रानी मर गई। हजारों लोग शव यात्रा में हैं अंतिम यात्रा में हैं शमशान में पहुंचे। अभी आग नहीं लगाई चिता बनाई गई। रानी के पार्थिव शरीर को रख दिया। मंत्री बोला अर्जुन से मुखातिब हुआ बोले महाराज आपका हमारा साथ यहीं तक था। कोई बोलने में चालने में सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करना। उतार दीजिए ये राजसी वस्त्र। वस्त्र उतरवा लीजिए। लीजिए महाराज 31 वर्ष पहले वाली धोती ना ये लीजिए। वो धोती पहनवा दी। बोले महाराज ना आज रानी के मरने के साथ साथ आपका शासन काल समाप्त। आज से ना आप हमारे राजा ना हम आपकी प्रजा। अर्जुन मन में सोच रहे कंबख्त तो छुट्टी दो मुझे। बोले महाराज परदेशी राज बनाते हैं परदेशी राज चलाते हैं। कोई बोलने में चालने में सेवा में कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करना। हमारा आपका साथ यहीं तक था। ऐसा है हमारी नगरी का एक नियम और है। अर्जुन बोले मेरे कुआर मोई पियो ताको नीमा दी पई। बोलो बोलो क्या नियम है। बोले गुस्से से नहीं प्यार से। बोलो क्या नियम है। बोले ऐसा है परदेशी राज बनाते हैं परदेशी राज पे राजा पे बलि बलि जाते हैं। अर्जुन बोले सुन लिया ये दो बार सुन चुके हैं आगे बोलिए। बोले नियम एक और भी है। ये एक नियम है और हमारा जब राजा मर जाता है रानी होती संग सती जी नाना उसको भाता है। राजा मर जाए रानी सती होती। अर्जुन बोले हाँ हाँ हमारे यहाँ भी होती है परंपरा चली आई है। राजा मर जाए रानी सती होती है। बोले महाराज अगला प्रोग्राम तो सुन लो। और अगर मर जाए रानी मेरे राम और अगर मर जाए रानी राजा खोना पड़ता है। रानी के संग राजा को भी सत्ता होना रानी के संग राजा को भी सत्ता होना पड़ता है। राजा मर जाए रानी सती होती है। बोले हाँ होती है। बोले रानी मर जाए राजा सत्ता होता है। बोले है, 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 ये कोई नियम है रानी सती होती है। बोले नहीं हमारी नगरी का नियम ये है कोई सेवा में बोलने में चालने में कोई त्रुटि हो गई हो गलती हो गई हो क्षमा करना। अर्जुन बोले कंबक तो सबसे गलती तो यही कर रहे हैं जो मेरी पूर्णमासी कर रहे हैं। जो खाना है खा लो मंत्री बोला है पीना है पी लो। बोले स्वामी टी खाऊं क्या खाऊं मैं।
अरे कंबख्तो, जब मैं तुम्हारा राजा ही नहीं रहा तो मेरी छुट्टी कर दो। उनमें से एक बोला, महाराज छुट्टी तो कर रहे हैं हमेशा के लिए। मंत्री अर्जुन बोला, ठहरो, अरे कंबख्तो, मुर्दे को स्नान करवाते हो? अर्जुन को गुस्सा चढ़ा हुआ था। मुर्दे को स्नान कराते हो? बोले हाँ। बोले तुम मुझे जिंदा जला रहे हो? स्नान तो कर लूं। ध्यान से सुनना, वही शमशान के सामने वाला तालाब। खूब गोते मारे, स्नान किया अर्जुन मन में। मंत्री बोला, जल्दी करो, हमने आग भी लगानी है रानी की चिता को। मन में अर्जुन गोते भी लगा रहा है, सोच रहा है। अर्जुन जब तक पानी में रहेगा तब तक आग से बचा रहेगा, मरना तो है ही, या आग में या। मंत्री बोला, जल्दी करो। अब जल्दी क्या करनी थी, ध्यान लगा के बैठ गया। बुलाने लगा के कोई हमारा नहीं, कोई सहारा नहीं, बीच भंवर में डूबा कोई किनारा नहीं, तुम ही हो एक सहारा, आकर बचा ले। कारे हैं बदरा चाए, तूफान भी गिर गिर आए, आओगे मोहर मोरी नैया सवालो। कारे हैं बदरा चाए, रहने अंधेरी आई, जगम पनी तुम गम गरे साथ, रहने अंधेरी आई, विपदा घनेरी आई, घबरा गया हूँ इकला, मौत अंधेरी आई, बालक हूँ तेरा मुझको गर्वा लगा लो। कारे हैं बदरा चाए, तूफान भी गिर गिर आए, आओ है मोहर मरी नैया संभालो। कारे बदरा चाए, खूब गोता मारा, पानी में ही रह गया, बाहर ही नहीं निकला। मंत्री बोला, जल्दी करो। जैसे ही सांस फूलने लगा अर्जुन का, जो ही गोता ला कर निकला, देखा यमुना बहती है, एक तरफ रथ खड़ा हुआ और सारी चीजें रहती हैं। थोड़ी देर कर माधव निकले, बोले अर्जुन हार गया, मेरा ही है सांस बड़ा और मैं ही बाजी मारू। जैसी सर ऊपर को किया, यमुना ठाके मार रही है, रथ दूर खड़ा है, भगवान कृष्ण तैरते हुए आ रहे हैं यमुना में। अरे अर्जुन तू हार गया, तू हार गया, तू हार गया। अर्जुन बोल, इधरा, हार गया हार गया। एक बात तो बताओ प्रभु जी, कि क्या ए, 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 एक बात मेरी समझ में नहीं आई, कि क्या इतने वर्ष मैंने राज किया, विवाह भी हो गया, बाल गोपाल भी तंत्र मंत्र भी हो गए, रानी भी मर गई, सत्ता होने से बच के आया, एक बात बताओ। कि मेरी रानी आज मरी है, फूंक उसे ना पाया हूँ, मैं तो सत्ता होने से ओ माधव बच कर आया हूँ। हुआ बहुत हैरान, प्रभु मत डालो और हैरानी में, वर्षों ही तुम नाक पकड़ कर बैठे रहे क्या पानी, वर्षों ही तुम नाक पकड़ कर बैठे रहे क्या पानी। 31 वर्ष 40 दिन मैंने राज किया है, नाक कान बंद करके पानी में ही रह गए, तेनु जुकाम नहीं होया? कृष्ण बोले, अर्जुन कुछ समझ में आया? अर्जुन बोले, प्रभु जी कुछ कुछ याद है, कुछ धुंधला धुंधला याद है, कुछ माने याद है, कुछ भूल रहा हूं। कृष्ण बोले, अच्छा माने पूरा याद?
नहीं है, ऐसा कर एक गोता और लगा। बोले गोता, कृष्ण बोले गोता लगाना बाहर निकलना, शर्त यही थी ना, जो हारा हुआ होगा वो हारने वाला जीतने वाले की सेवा करेगा, चरण दबाएगा, शोभा यात्रा निकालेगा। अर्जुन बोला प्रभु जी गोता तो लगा लो पर गोते के पीछे कोई गड़बड़ी तो नहीं? बोले नो नो, गोता लगाना बाहर निकलना। अर्जुन बोला ठीक है। दूजी बार लगाया गोता, छूटा छूटा सांस तो देखा क्या, वो ही था तालाब किनारे और लोग रहे थे चिता जला। मंत्री बोला पकड़ लो, अर्जुन ने मारा गोता, दूसरी बार प्रोग्राम शुरू हो गया। इधर उधर पार्सल हो रहा हूं, मंत्री बोला जल्दी करो, गोता मारा बाहर ही नहीं निकला। फिर जब सर सांस होने लगा, जैसे ही ऊपर सर को निकाला तो यमुना ठाठे मार रही है, रथ दूर खड़ा है, अर्जुन कृष्ण तैरते हुए आ रहे हैं। कृष्ण बोले अर्जुन, अरे अर्जुन देख रहे दूसरी बार हार गए तुम। अर्जुन बोले इधर आ, तेरी हार जीत होती है उधर पूर्णमासी मेरी होती है, पहले घर चल, पहले तेरे को भूख लगी थी ना, अब मुझे भूख लगी, चल घर। कृष्ण बोले एक गोता हो ला ला। बोले क्यों गार नहीं चलना, चल घर। कृष्ण बोले ना, बोले ना क्या, बाहर निकले, बाहर निकले, रथ के पास पहुंचे, वस्त्र इत्यादि पहने, अब अर्जुन भी बैठ गए, भगवान के सामने बैठ गए, रथ चल पड़ा। तो रथ जब चल पड़ा, अर्जुन एक बात कहते हैं, अर्जुन कहते हैं प्रभु जी आपको तो सारा पता है, आप तो सब कुछ जानते हो, मैं राजा भी बना, मेरा दूसरा विवाह भी हो गया, बाल गोपाल भी हो गए, रानी भी मर गई वगैरह वगैरह, सप्ताह से बच के आया, ये प्रोग्राम, ये सारी बात इस घर चल करके अपनी बहन कृष्णा को मत कह देना, द्रौपदी को मत बतला देना। कृष्ण बोले देखो अर्जुन, मैं तो नहीं कहूंगा पर गलती से कहीं तुम नहीं बोल देना। अर्जुन बोले कमाल है, मैं आपको मना कर रहा हूँ, भला मैं कैसे कह दूंगा। खैर बातचीत करते हुए घर पहुंचे, रथ खड़ा किया, रथ से नीचे उतरे, बहन के पास पहुंचे, भगवान कृष्ण अर्जुन भी साथ में है। कृष्ण बोले बहन जी भोजन तैयार हो गया। तो लौटे घर को कृष्णा, बोली देरी करके आए ना, लौटे घर को कृष्णा, बोली देरी करके आए ना, अभी अंगीठी सुलगाई है कोयले जलने पर, अभी अंगीठी सुलगाई है कोयले जलने पाए ना, कोयले जलने पाए। बहन जी भोजन तैयार हो गया। बोले भैया तुम तो जाते जाते कह गए थे हम स्नान करके आएंगे यमुना जी पे, ये देखो अभी अंगीठी सुलगाई है, कोयले भी नहीं जले, धुआं निकल रहा है, इतनी जल्दी भोजन कैसे बन जाएगा, अभी गए अभी आ गए, कमाल हो गया। अर्जुन साथ में खड़ा, अर्जुन बोले कमाल करती हो, अभी गए अभी आ गए, 31 वर्ष मैंने राज किया और मेरा दूसरा विवाह। कृष्ण बोले तू ही कह रहा है, मैं कोई नहीं कह रहा। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री गुरु नानक देव की। ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का, लेकिन शरण में अगर सही तरीके से नहीं आएंगे तो संशय बना ही रहेगा, समझ लेना। कृष्ण बोले तूने कह दिया ना, मैंने तो नहीं कहा अर्जुन। अर्जुन माथा पकड़ के बैठ गए। कृष्ण बोले पौत्र क्या थे, क्या हुआ? अर्जुन बोले ठाकुर जी मेरी समझ में नहीं आया, इधर कोयले नहीं जले, भोजन नहीं बना, उधर 31 वर्ष व्यतीत हो गए, मैं समझा नहीं। अब कृष्ण ने कहा अरे अर्जुन उस दिन की बात याद करो, तुमने छाती ठोक करके ये कहा था, ग्रंथों ने गप मारी है, मेरे लिए माया कोई मुश्किल नहीं, मैं तेरे हर राज को जानता हूं, मैं तेरे हर कण को पहचानता हूं, कैसे कहा था तुमने? अर्जुन बोला प्रभु जी उस दिन की बात आज। कृष्ण बोले काका ट्रेलर दिखाया, पिक्चर गएगा तो फिर 1997 में दिखा दूंगा। बोले ट्रेलर ही खतरनाक है। तो माधव के तब गिरा चरण में, बोला मुझे भुलाया है, नाथ विकट है माया तेरी, तेरा पार न पाया है, तेरा पार न पाया है, कोई न जाने
तुम्हारा अंत। एक बार मिलके कह दीजिए, ये तो महामंत्र है, कोई ना जाने तुम्हारा ऊंचे से ठाकुर तुम शरणाई आया ठाकुर। उतर गयो मेरे मन का संसार उतर, जब ते दर्शन पाया जब ते अन बोलत मेरी बिरथा जानी, अन बोलत मेरी बिरथा जानी, सपना नाम जपाया सपना नाम। बोले श्री गुरु नानक देव। मेरे बंधुओं, बस दो मिनट की बात, एक मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे सज्जन, जल्दी ना करना, केवल दो मिनट लेता हूँ। ये कोई सज्जन नाम तो मैं जानता नहीं, 50 रुपये हमारे प्रिय श्री मेहता साहब इस यज्ञ में दे गए हैं, पत्र 51 दे गए, मैंने ध्यान नहीं किया, और 10 रुपये और, हाँ 5 रुपये और ये 5-5 आप लोग थक गए होंगे तो खड़े होके आप नहीं बैठे बैठे कर ले, फिर प्रसाद भी देना है आपको। हाँ राम 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 कोई बोले राम राम, कोई खुदाए कोई तेरे गुसैया, कोई अलाए अलाए करने कृपा धार रहीम रहीम, करने गुरु नानक देव की, गुरु श्याम सुंदर भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव। आगे का कार्यक्रम आपने सुनी। Yeah.
कभी आप देने के लिए।